चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी कैबिनेट में होने वाले फेरबदल में चर्चा संभव है। यूपी सरकार में कई मंत्रियों की छटनी होगी। नए मंत्री बनाने पर योगी और शाह के बीच मंथन होगा, जिसको लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। यूपी सरकार में कई मंत्रियों की छटनी होनी है, कैबिनेट में फेरबदल होना है, नए मंत्री बनाने पर योगी और शाह के बीच मंथन किया जाएगा, इसलिए खास मुलाकात के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, जहां अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे, मंथन किया जाएगा। मंत्रियों की छटनी को लेकर, यूपी कैबिनेट में होने वाले फेरबदल को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी सरकार में कई मंत्रियों की छटनी होनी है, नए मंत्री बनाने पर योगी और शाह के बीच विचार विमर्श होगा, मंथन किया जाएगा और उसी के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। संतोष पाठक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, कितनी देर में ये मुलाकात होगी, क्या कुछ खास रहेगा इस मुलाकात में? संतोष, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। नए मंत्री बनाने पर योगी और शाह के बीच मंथन होगा, जिसको लेकर दिल्ली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां बातचीत करेंगे अमित शाह से, कैबिनेट में फेरबदल को लेकर विचार मंथन किया जाएगा। यूपी कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल संभव है, जिसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, किस तरीके से मंत्रियों की छटनी की जाए, किस तरीके से कैबिनेट में फेरबदल होगा। संतोष पाठक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, कब ये मुलाकात होगी और कौन कौन सी अहम बातें हैं जिसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा मुलाकात में? देखिए वन्ना, आपसे थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, गोरखपुर से सीधे दिल्ली आए हैं। अभी वो यूपी सदन में है और तकरीबन 5 बजे के आसपास उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होनी है। एजेंडा बिल्कुल साफ है, ये एक साल सरकार को हो चुका है और अगले महीने ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इस एजेंडे पे चर्चा होगी कि किस किस मंत्रियों को हटाना जाना है, क्योंकि कई मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा नहीं बना, वो बहुत उन्होंने अपने अपने मंत्रालय में अच्छा काम नहीं किया, तो उनकी छटनी होनी है। कुछ नए मंत्री बनाए जाने हैं, ये विधायकों में से भी हो सकते हैं और कुछ नॉन एमएलए यानी जो वर्तमान में विधायक नहीं है उनको भी सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होनी है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में सांगठनिक फेरबदल होना है और सबसे बड़ी बात कि गठबंधन को लेकर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, उस मुद्दे पे चर्चा होनी है। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।